तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हैं धूप अब निकल चुकी है बहुत ज्यादा और मौसम बहुत खराब हो चुका है। देख सकते हैं पूरी चारों तरफ पूरा पानी ही पानी, देख सकते हैं कितना खराब तरीके से जितने भी ईंट वगैरह थे ना सब खराब हो चुके हैं और ऊपर देख सकते हैं मौसम अभी आकाश नीला हो चुका है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। आपको अभी मतलब रात को 2:30 बजे से बारिश शुरू हुई थी और लमसम सुबह के 8 बजे के करीब तक बारिश होते ही रही थी। देख रहे होंगे बैकग्राउंड में गैस भट्टा भी दिख रही होगा आपको और ये देख सकते हैं जितने भी ईंट वगैरह था बना हुआ था उनका किस प्रकार से हाल है, पूरा पानी भरा पड़ा है पसार में। देख सकते हैं लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जितने मतलब पानी वगैरह उसको बाहर तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड मतलब बैक कैमरा करके आपको पूरी अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। गाइस ये देखने का इस प्रकार से नाली वगैरह बनाया जा रहा है पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ज्यादा जमीन में पानी मतलब खड़ा रहेगा तो जितने भी ईंट वगैरह दिख रहे हैं इनको गाइस हम लोगों को फिर से तोड़ फोड़ करके ना मिट्टी मतलब बनाना पड़ेगा। तो इधर भी देख सकते हैं ये वाला मेरे वाला जो ईंट जो कि मतलब दीवार वगैरह खड़ा हुआ है, देख सकते हैं इनका भी हाल बहुत ही पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि जितना भी गाइस पानी है ना ऊपर से जितना भी नीचे का ऊपर वाला पानी है वो सब नीचे मेरे इस जमीन पर आ रहा है, जिसकी वजह से गाइस ईंट खड़ा हुआ था ना ये भी सब गिर चुका है। और देख सकते हैं ये देखो हाल देखिए पूरा चारों तरफ एकदम गंद, पूरा पानी ही पानी सब तरफ गैस यही हाल है। और इधर मैंने भी गैस नाली वगैरह निकाला है कि पानी मतलब धीरे धीरे जाता रहे, तो यहाँ से गैस पानी अभी तो जा रहा है लमसम बहुत पानी चला गया है और बुरा ही हाल है पूरी तरह से। दिख रहा होगा अभी तो बादल मतलब पूरे जा चुके हैं साइड में, पर गैस 1-2-4 घंटे के अंदर ही पूरा सब कुछ खराब कर दिया है। तो यही है गैस भट्टे का हाल, आपको पता ही है गैस बर्बाद हो जाता है, मतलब बर्बाद नहीं होता, मतलब अब तो गैस हम ईंट नहीं बनाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा।